साथियों, देश के जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके साथ गवर्नेंस को लेकर हम लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर रहे हैं और इस व्यवस्था को सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं। मैं खुद अलग अलग सेक्टर्स के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में जाता हूं, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, या फिर नीति आयोग के सारे हमारे पॉलिसी रिलेटेड ग्लोबल वर्ल्ड व्यू बनाने के लिए हम जो एक लेक्चर सीरीज चलाते हैं, मैं खुद जाके बैठता हूं, पूरी टीम बैठती है। हम पुरानी और औपचारिक व्यवस्थाओं को आउटकम बेस्ड बना रहे हैं, जहां जरूरत है वहां विदेशी और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुलाकर हम ब्यूरोक्रेसी को ट्रेन करवा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अब जैसा अभी कल परसों ही मैं पुणे जा रहा हूं, वहां डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अभी डीजीपी की कॉन्फ्रेंस की परंपरा करीब करीब 120 साल से चलती है, 120 साल से, लेकिन उसमें 115 साल ये मीटिंग दिल्ली में ही हुई है और सुबह शुरू होती थी और लंच के बाद पूरी हो जाती थी। आने करीब 115 साल की लीगेसी, मैंने इसको पूरा बदल दिया है। अब दिल्ली के बाहर करता हूं, 3 दिन सभी पुलिस विभाग के लोग इकट्ठा आते हैं, बारीकी से चर्चा करते हैं, नई नई समस्याएं, नए नए संकटों की चर्चा करते हैं, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं, नए इनिशिएटिव्स की चर्चा करते हैं और सब मिलकर के ही एक एजेंडा तय करते हैं कि अब पुलिसिंग में कैसे आगे बढ़ना है। थोपा नहीं जा रहा है। 3 दिन तक लगातार पुणे में बैठ करके काम अभी करेंगे, हर साल किसी न किसी स्थान पर जाकर के साथ रहकर के इस काम को करते हैं, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच लेकर वे वहां से निकले, टाइम बाउंड काम की जिम्मेवारी लेकर के चले, उस दिशा में काम हो रहा है। और आज ये भी सही है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होने के बाद भी ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। एक राज्य की इस प्रकार की टोली के विषय में दूसरा राज्य नहीं जानता है तो कभी ना कभी संकट आ सकता है। तो इस प्रकार से एक लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होने के बाद भी जानकारियों की दृष्टि से, संपर्क की दृष्टि से स्टेट्स का इंटरकनेक्टेड व्यवस्थाएं बहुत आवश्यक हो गई है। हम इसमें बदलाव ला रहे हैं। साथ ही एक और पहल हमने की है और वो है सिविल सर्वेंट्स को लेकर। नियुक्ति के शुरुआती दिनों में ही उन्हें इस बात का अनुभव दिया जा रहा है कि पॉलिसी लेवल पर कैसे काम किया जाता है, फ्लैगशिप टीम्स को कैसे फॉलो किया जाता है। पहले उन्हें ऐसा अनुभव नहीं मिलता था। और कई आईपीएस अफसर ऐसे हैं कि उनको जॉब मिलने के बाद अपने स्टेट कैडर में चले गए, उनको कभी दिल्ली आने का सौभाग्य नहीं मिला। इतना बड़ा देश कैसे काम करता, कभी सौभाग्य नहीं मिला, वो रिटायर्ड भी हो गए। हमने अब शुरू के कालखंड में ही मसूरी से निकलते हैं तो 3 महीने भारत सरकार की भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में जोड़ना शुरू किया है, ताकि वो यहां एक विजन लेकर के जाए कि भाई हाँ, देश के सामने ये चुनौतियां होती है तो मैं जहां ग्रासरूट लेवल पे काम करूंगा तो भी मैं देश की इन बातों को ध्यान में रखकर के निर्णय प्रक्रियाओं को चलाऊंगा, ताकि देश और लोकल की स्थितियों में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा ना हो। और उस एक सफल प्रयोग हुआ है। और दूसरा लाभ हुआ है कि यहां पर ज्यादातर वो लोग होते हैं जो रिटायरमेंट की डेट लिख करके बैठे होते हैं, मेन टीम वही होती है, वो सोचते हैं कब 11 महीने बाकी रहे, 9 महीने बाकी रहे, 6 महीने बाकी रहे। ऐसे में ये जिसका 35 साल भविष्य बाकी है, ऐसे नए ऊर्जावान नौजवान उनके साथ जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिक ऊर्जा उनको भी मिलना शुरू हो जाता है, बदलाव शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, इस वर्ष हमने एक और शुरुआत की है। इस बार देश में 20 से ज्यादा सिविल सेवाओं के ट्रेनिंग का साझा फाउंडेशन प्रोग्राम हमने किया। अभी तक बहुत बड़ी शिकायत ये रहती थी, और मैंने एक बार लाल किले पर से नया जब आया तो मैंने पहले ही साइलोस की चर्चा की थी, पहला मेरा जो लाल किले का भाषण था,
अब मैं उस बीमारी तो बता दी, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। और हमने उसी को समस्या का समाधान के लिए जो सर्विसेज आइसोलेशन में काम करती है उसमें बदलाव लाने के लिए एक प्रकार से ज्वाइंट फाउंडेशन कोर्स की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग सर्विसेज जैसे रेवेन्यू, फॉरेस्ट, रेलवे, अकाउंट एंड ऑडिट, उनके अफसरों को इन दोनों हमने बहुत जिम्मेवारी पूर्ण काम दिए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर अब सिर्फ आईएएस कैडर नहीं है मेरी सरकार, इन सभी कैडर के कुछ न कुछ लोग हैं, यानी करीब करीब बराबरी का हिस्सा सबको मिल रहा है। तो एक नई सोच, नए विभाग का अनुभव भी सरकारी व्यवस्था में जुड़ रहा है और इसके कारण एक इंटीग्रेशन की भी संभावना बहुत सरलता से बनी है। और हां, इन सबके बीच हमने 220 से अधिक अधिकारियों को ये कह दिया, आपने बहुत देश की सेवा की, अब घर जाइए।